स्वच्छता अभियान आज रोज 10 वर्ष पूर्ण थई गया छे। आज रोज 2 ઓક્ટોબર છે અને ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ પર છે અને આ સાથે જ સ્વચ્છતા અભિયાનના 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે પીએમ મોદી બાળકો સાથે સ્વચ્છતા અભિયાનમાં આજ રોજ જોડાયા હતા। દિલ્હીમાં બાળકો સાથે પીએમ મોદી દ્વારા સાફ સફાઈ કરવામાં આવી અને પીએમ મોદીએ બાળકોને સ્વચ્છતાનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું હતું। तो स्वच्छता अभियान ने आज रोज 10 वर्ष पूर्ण थया छे त्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाळको साथे स्वच्छता अभियान में जोड़ाई साफ सफाई करवामां आवी। और हमारा देश अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती है। बीमारियां फैलती है। देखिए पहले का समय जब बिल्कुल था 100 में से 7 जिसके घर में शौचालय नहीं था टॉयलेट नहीं तो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता और उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता था बेटियों को होता था। जब से हमने इस स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए और उसका एक परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉपआउट रेट बहुत कम था। बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही थी तो स्वच्छता का फायदा हुआ नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आप में से कोई योगा करते हैं? अरे वाह, इतने सारे। आसन से क्या फायदा होता है? सर हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और सर सिटी साइज भी कम होता है सर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है।